हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रिवर्टेड गियर ट्रेन। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में। साथ ही हमने जाना था सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो और कंपाउंड गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होती है और रिवर्टेड गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे गियर ट्रेन क्या होती है। गियर ट्रेन दो या दो से ज़्यादा गियरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफर करा जाता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं गियर ट्रेन। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारा पावर सोर्स यहाँ पर है और मशीन यहाँ पर है, तो हम दो या दो से ज़्यादा गियरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इस प्राइमरी पावर सोर्स की पावर को हम इस मशीन तक ले जा सकें, और इसी कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी गियर ट्रेन। गियर ट्रेन में कई तरीके के गियर हो सकते हैं, और वो गियर स्पर गियर, बेवल गियर या स्पायरल गियर किसी भी तरीके के हो सकते हैं। गियर ट्रेन वेलोसिटी रेशियो के आधार पर और शाफ्ट की एक्सेस की पोजीशन के आधार पर अलग अलग तरीके की होती हैं। गियर ट्रेन कितने टाइप की होती हैं उसके वीडियो का लिंक आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही गियर कितने टाइप के होते हैं उस वीडियो का लिंक भी आई बटन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि गियर ट्रेन का स्पेशल यूज क्या है। तो गियर ट्रेन का जो मेन पर्पज है वो है टॉर्क और स्पीड को चेंज करना। सेकंड पर्पज है, अगर पावर सोर्स और मशीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तब हम गियर ट्रेन का यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। गियर ट्रेन का थर्ड यूज है गियरों की डायरेक्शन को अपनी डिजायर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, क्योंकि गियर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और हमको जिस डायरेक्शन में गियर की रोटेशन चाहिए हम गियर ट्रेन का यूज करके वैसी रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि आखिर रिवर्टेड गियर ट्रेन होती क्या है। अगर गियर ट्रेन का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि गियर ट्रेन का पहला गियर और लास्ट गियर इन दोनों की शाफ्ट की एक्सेस को एक्सियल हो, तब ऐसी गियर ट्रेन कहलाती है हमारी रिवर्टेड गियर ट्रेन। इस डायग्राम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस डायग्राम को, जिसमें आप देखेंगे यह है पहला गियर, यह है दूसरा गियर, यह है तीसरा गियर और यह है चौथा गियर। यहाँ पर जो पहला गियर है वो हमारा प्राइमरी पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये गियर कहलाएगा हमारा ड्राइवर गियर। इस पहले गियर से जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड गियर। सेकंड गियर और थर्ड गियर एक ही शाफ्ट पर लगा हुआ है। थर्ड गियर से जुड़ा हुआ है हमारा फोर्थ गियर। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट गियर है जिसको हम ड्रिवन गियर भी कहते हैं वो है हमारा फोर्थ गियर। और आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला गियर और चौथा गियर इन दोनों की जो शाफ्ट की एक्सेस है बिल्कुल को एक्सियल हैं, जिसके आधार पर इस ट्रेन को कहा जाता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। यहाँ पर इस गियर ट्रेन का टॉप व्यू दे रखा है, जिसमें भी आप देख सकते हैं ये पहला गियर है और ये चौथा गियर है, जिसमें कि पहला गियर हमारा ड्राइवर गियर है और जो चौथा गियर है वो हमारा ड्रिवन गियर है, जिसमें कि दोनों के शाफ्ट की जो एक्सेस है बिल्कुल को एक्सियल है, जिसके आधार पर इस गियर को हम रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है कंपाउंड गियर। आखिर इन गियरों को कंपाउंड गियर क्यों कहा गया?
जैसा कि हमने जब कंपाउंड गियर ट्रेन पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि अगर किसी शाफ्ट पर दो गियर होते हैं तब उन गियरों को कंपाउंड गियर कहा जाता है। यहाँ पर इन गियरों को कंपाउंड गियर भले ही कहा गया है लेकिन ये जो ट्रेन का कॉम्बिनेशन है वो रिवर्टेड गियर ट्रेन कहलाएगा। यहाँ पर आप एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें कि हमारा एक डायग्राम है जिसमें कि एक गियर ये है, ये सेकंड गियर है, ये थर्ड गियर है और ये फोर्थ गियर है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो कि हमारा ड्राइवर और ड्रिवन इन गियरों की जो शाफ्ट है वो को एक्सियल है। इसके बाद बात करेंगे हम कि रिवर्टेड गियर ट्रेन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज हमारा ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन में, लेथ मशीन के बैक गियर में, इंडस्ट्रियल स्पीड रिड्यूसर में और घड़ियों में होता है, जहाँ पर हमारी मिनट की सुई और जो घड़ी की सुई है उनकी जो शाफ्ट है वो कोएक्सियल होती हैं। रिवर्टेड गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकालने से पहले हमको दो गियरों का वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो गियर हैं जिसमें पहला गियर और सेकंड गियर है, जिसमें पहला गियर ड्राइवर है और सेकंड गियर हमारा ड्रिवन है। ये दोनों गियर आपस में मैच कर चल रहे हैं जिसमें कि N1 N2 इन गियरों के RPM हैं, T1 T2 इन गियरों के टीथ हैं, D1 D2 इन गियरों के डायमीटर हैं। जैसा कि हमको पता है कि अगर दो गियर आपस में मैच करके चलते हैं तब उनकी पेरिफेरल स्पीड इक्वल होनी चाहिए, तभी वो गियर आपस में मैश होकर चल सकते हैं। और पेरिफेरल स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई D1 N1। यहाँ पर ड्राइवर गियर के अगर हम पेरिफेरल स्पीड काउंट करें तो आती है पाई D1 N1 और ड्राइवर गियर की पेरिफेरल स्पीड काउंट करें तो वो आती है पाई D2 N2। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि पेरिफेरल स्पीड इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए पाई D1 N1 इज इक्वल टू पाई D2 N2। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमारे पास एक इक्वेशन आती है N1 N2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। ये हमारी इक्वेशन बनी 1। इसके साथ ही एक सेकंड कंडीशन और होती है कि अगर दो गियर आपस में मैश होकर चलते हैं तब उनकी सर्कुलर पिच भी इक्वल होनी चाहिए, और सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई डी अपॉन टी। यहाँ पर देखेंगे कि पाई D1 अपॉन T1 ड्राइवर गियर की सर्कुलर पिच है, पाई D2 अपॉन T2 ड्रिवन गियर की सर्कुलर पिच है। और जब इन दोनों सर्कुलर पिच को इक्वल करके रखा जाता है और इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है तब हमारे पास इक्वेशन 2 निकल कर आती है, और वो आती है D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला निकल कर आता है जो आता है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। इसको हम सिंपल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो होता है हमारा ड्राइवर गियर के RPM अपॉन ड्रिवन गियर के RPM इज इक्वल टू ड्रिवन गियर के दांतों की संख्या अपॉन ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या इज इक्वल टू ड्राइवर गियर का व्यास अपॉन ड्रिवन गियर का व्यास अपॉन ड्राइवर गियर का व्यास। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर हम जानेंगे कि रिवर्टेड गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर एक डायग्राम आपके सामने है जो कि रिवर्टेड गियर ट्रेन का है। तो यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी चीज क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो गियर है हमारा
ये पहला गियर है, यहाँ पर ये पहला गियर है, क्योंकि ये हमारा टॉप व्यू है और एक हमारा साइड व्यू है। ये हमारा चौथा गियर है, यहाँ पर ये हमारा चौथा गियर है। ये सेकंड गियर है, ये हमारा सेकंड गियर है। ये थर्ड गियर है और यहाँ पर हमारा ये थर्ड गियर है। यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी पावर सोर्स है वो पहले गियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट गियर है ये है हमारा ड्राइवर गियर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट गियर हमारा कहलाएगा ड्राइवर गियर। और इसी फर्स्ट गियर से जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड गियर, तो यहां पर हमारा सेकंड गियर कहलाएगा ड्रिवन गियर। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा गियर और तीसरा गियर एक ही शाफ्ट पर लगा हुआ है, इसलिए जो तीसरा गियर और चौथा गियर आपस में जो कपल बनाते हैं, इसमें तीसरा गियर हो जाएगा हमारा ड्राइवर गियर और हमारा जो चौथा गियर है ये हो जाएगा हमारा ड्रिवन गियर। तो यहाँ पर हमारे चारों गियरों का नाम कंफर्म हो चुका है, जिसमें कि पहला गियर और दूसरा गियर जो कपल बनाते हैं उसमें पहला गियर ड्राइवर है और दूसरा गियर ड्रिवन है, और जो तीसरा और चौथा गियर कपल बनाते हैं इसमें तीसरा गियर ड्राइवर है और चौथा गियर ड्रिवन है। और फाइनली अगर हम इस पूरे रिवर्टेड गियर ट्रेन को देखें तो जो पहला गियर है ये ड्राइवर गियर है और जो चौथा गियर है वो ड्रिवन गियर है। यहाँ पर हम देखेंगे अब वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा N1 है वो हमारा ड्राइवर गियर का RPM है, T1 ड्राइवर गियर के टीथों की संख्या है, D1 ड्राइवर गियर के डायमीटर है, साथ ही में D2, D3, D4 जो हमारे बाकी गियर हैं उनके डायमीटर हैं, N2, N3 और N4 जो हमारे बाकी गियर हैं उनकी स्पीड है, T2, T3, T4 रेस्पेक्टिव गियर के दांतों की संख्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला और जो दूसरा गियर जब आपस में मैच करके चलते हैं तब वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो क्या होता है। तब देखेंगे हम पहला और दूसरा गियर जब आपस में कपल करते हैं तब हमारा स्पीड रेशियो आता है N1/N2=T2/T1, बिकॉज वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ड्राइवर गियर के RPM/ड्रिवन गियर के RPM = ड्रिवन गियर के टीथों की संख्या / ड्राइवर गियर के टीथों की संख्या। तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आती है, वो आती है हमारी 1। इसी तरीके से जब हमारा तीसरा और चौथा गियर आपस में मैच होकर चलते हैं तब हमारा स्पीड रेशियो निकल कर आता है N3/N4=T4/T3, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा तीसरा गियर है वो ड्राइवर है और जो चौथा गियर है वो ड्रिवन है। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इक्वेशन आती है ये वाली, और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो निकल कर आती है N1/N4=T2×T4/T1×T3। यहाँ पर आप देखेंगे कि N2 और N3 यहाँ पर कैंसिल हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दूसरा गियर और तीसरा गियर एक ही शाफ्ट पर है, इसलिए N2=N3, जिसके कारण इस इक्वेशन में N2 N3 को कैंसिल कर देगा और हमारी फाइनल इक्वेशन जो निकल कर आती है वो आती है N1/N4=T2×T4/T1×T3। और इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखें तो वो आता है स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो product of number of teeth on driver gear। तो फाइनली
जो हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है वो हुआ स्पीड रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर गियर अपॉन स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन और फॉलोवर गियर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर गियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।